रही है। ठीक यस है, तो देखो लास्ट क्लास में हमने टोटल 5 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, तो आई होप ये अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट, एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, टर्म्स क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ टर्म, टर्म के फैक्टर क्या होते हैं और कोफिशियंट क्या होते हैं, ये 5ों के 5 क्लियर है? कुछ यस सर। भी पूछ लूं? पूछ के देखता हूं मैं। जैसे मैंने एक टर्म लिखी, एक एक्सप्रेशन लिखा, 4x² + 2x + 1। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे ये बता, सोनाक्षी की वेरिएबल कौन सा है? सर वेरिएबल एक्स स्क्वायर और एक्स। x² और x कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये बता कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है? सर वेरी गुड, कांस्टेंट टर्म एक ही है यहाँ पर, 1। नेक्स्ट मुझे ये बता कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सर 2 4 2। और x² का? ठीक है, मतलब पिछला लेक्चर आता है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें थी जो आनी चाहिए थी वो आती है। वेरी गुड, तो अब हम इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, वो है अपनी लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 9th क्लास में ऐसे का ऐसे आएगा, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। अनलाइक देखो इसको कैसे समझेंगे, जैसे मैंने यहां पर कुछ टर्म्स लिख दी कोमास में, कोमा लगा लगा के, 4x लिखा, 90 लिखा, 10x लिखा, 3x² लिखा, फिर 5x² लिखा, एंड आफ्टर दैट मैंने लिखा 6y। अब इसके अंदर हमें ना लाइक टर्म्स छाटनी है और अनलाइक टर्म्स छाटनी है। तो लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल्स सेम हो, क्या हो? सेम हो, सेम सेम इन वेरी द सेंस सेम जो कि हम लेटर्स देखें वो सबके सेम हो, वो हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ पर टोटल 6 टर्म्स ली हैं, 4x90, 10x, 3x², 5x², 6y। इसके अंदर जो सेम सेम टर्म्स है उसको छाट लेंगे तो वो हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। जैसे कि पहले नंबर पे है 4x, और कहीं दिख रहा है जिसके साथ x हो? 10x टेन एक्स, तो ये हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? टर्म हो गई। इसके बाद छाटो, देखो 3x² है, 3x² है और एक 5x² है, ये दो और हमारी लाइक टर्म्स होगी। एक 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 दो दो बार है ना, ये एक से ज्यादा बार हो जाए यस तो वो लाइक टर्म्स में आ जाते हैं, एक से ज्यादा बार, राइट? एक से ज्यादा बार कितने भी यस हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 100, कितने भी हो सकते हैं। इसके बाद आ जाती है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स वो हो जाएंगी जिनके वेरिएबल ना मिलते हो, जैसे कि इनसे हटके कौन सा आ गया, एक 90 आ गया ना, तो इसका वेरिएबल यस अलग है, और इधर देखें तो 6y का वेरिएबल अलग है, ये हमारी कौन अलग टर्म्स हो जाएंगी? अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी, अनलाइक अनलाइक टर्म्स। इज इट क्लियर? टर्म इसके थोड़े से मैं एग्जांपल और ले लेता हूं जिससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, अब इसके अंदर मुझे लाइक टर्म्स छाटनी है, तो सोनाक्षी क्या तू बता सकती है कि इसके अंदर कौन कौन सी है हमारी लाइक टर्म्स, यस सर सर बताओ। हाँ, एक बार देखें 50 एंड 60 50, 60 और 6y² and 7y² ये मैंने अगली लाइन में लिखा, 6y² और 7y² और और नहीं नहीं है। लेकिन मैं देखा जाए तो यहाँ पर टी वाली जो टर्म्स देखो कितनी है, एक तो 5t है, नो डाउट, 6t है, एक ही खाली टी भी तो है, तो सर दो ये भी तो इसके साथ लेंगे।
अब मुझे ये बता कि टी का कोफिशियंट क्या है? वन कुछ है? भी नहीं इसका कोफिशिएंट। नहीं, वन है, टी का कोफिशियंट वन है क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे तीन आ जाएंगी, ये इधर से तीन टी वाली लाइक टर्म्स होगी और दो वाई स्क्वेयर वाली होगी। अब इसमें से फाइंड आउट करनी है अनलाइक टर्म्स। बताओ मुझे अनलाइक टर्म्स कौन सी है? सर हाँ? स्क्वायर और टी क्या बोल रही है? अनलाइक टर्म्स पूछी है जो मिलती जुलती नहीं है, अलग से है, जो हटके हैं। लाइक टर्म्स को तो हमने छाट लिया है, उनको नहीं छेड़ना। जो उसके अलावा बच गई वो सारी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो कौन कौन सी है? स्क्वायर हाँ, और 9। नो सर, 6y² अनलाइक टर्म है। एक मिनट। पहले तूने x² बोला था, वो ठीक बोला था, x² है, ठीक है। इधर से और देखो, नाइन ये 70² भी अनलाइक टर्म है, 9 भी अनलाइक, नाइन ठीक है, बाकी सारी लाइक टर्म्स हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस सर। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं है। अब बताइए इसमें से लाइक टर्म्स कौन सी सर इसमें से कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। वेरी गुड, इसमें से कोई लाइक नहीं है, नो आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, 21xy है, उसके जैसा और कोई भी वेरिएबल नहीं है। फिर देखें तो 7pq है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है टर्म, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके साथ में 7pq हो, दोनों इकट्ठे हो। ये मत सोचना कि 9p और 9q है तो दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी, नहीं होंगी। तो इसका तो नो आ जाएगा। और अनलाइक टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? ये सारी की सारी कौन सी टर्म है हमारी? अनलाइक ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब बताएं इसमें से लाइक टर्म्स कौन कौन सी सर, इसमें से भी कोई नहीं है? ध्यान से देखो, पाएगी कोई ना कोई? अनलाइक है। नो सर, पहले नंबर पे है 7pq। क्या पूरी इसमें हमें और कहीं भी pq नजर नहीं आ रहा? सर है तो ऊपर यहाँ पे माइनस का तो वो मैटर नहीं करता, हमने सिर्फ वेरिएबल चेक करना है, प्लस माइनस का साइन मैटर नहीं करता। तो लाइक टर्म्स में हमारा आ जाएगा एक तो 7pq और एक माइनस का 10pq। हमने सिर्फ वेरिएबल चेक करने हैं, इन दोनों के साथ में pq लगा है, इट मीन्स अरे बोथ आर हाँ लाइक टर्म्स। इज इट अरे क्लियर? सर, उसके बाद बची हुई जो टर्म्स हैं, ये 7p² q स्क्वायर, 7ab एंड 6a² मैंने b, ऑल आर अनलाइक टर्म्स। कौन कौन सी होंगी सारी अनलाइक टर्म्स? अनलाइक ध्यान रखना, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में माइनस डजंट टर्म। मैटर। माइनस के साइन को तुमने नहीं देखना, तुमने ओनली वेरिएबल चेक करना है। अगर वेरिएबल सेम है देन यू कैन राइट देम लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, इज इट क्लियर?
सर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स को अच्छे से समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 10th क्लास में, 9th क्लास में एज इट इज आएगा, पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में। मटर लाल सबसे पहले मारा जाता है मोनोमियल्स, मोनोमियल्स क्या होता है? एक ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसी पॉलिनोमियल की टाइप होती है। अभी पॉलिनोमियल क्या है ये तुम 9th क्लास में पढ़ोगे, तो अभी तुम ऐसे ही याद रखो कि मोनोमियल एक ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। कितनी टर्म होती है? एक ही टर्म होती एक है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा जल्दी था, जैसे कि मैंने लिखा 4x² 7x प्लस में 1, ये एक एक्सप्रेशन है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या था? या मैंने माइनस का साइन लगा रखा। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या था? कि जिसके अंदर वेरिएबल्स हो, टर्म्स हो और वो इंटरकनेक्टेड हो प्लस माइनस सम से, इट मींस कि उसमें मैथमेटिकली ऑपरेशन लगे हुए हों। ऑपरेशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। अच्छा इन द केस ऑफ मोनोमियल्स तो हम बात करेंगे उस एलजेब्रिक सारे एक्सप्रेशन की जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस इकट्ठे हो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है तो ये मोनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसके अंदर एक टर्म होगी, जैसे मैंने लिख दिया सिर्फ 4y². ठीक है, फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद वो अलग एक्सप्रेशन पड़ जाता है 6x, फिर कॉमा लगाया 2y, तो सब में ना। एक-एक ही टर्म है, कोई भी प्लस माइनस के बता साइन से कनेक्टेड नहीं है। तो ये कौन से हो गए? मोनोमियल्स हो गए। कौन से हो गए? मोनोमियल समझ में आए? ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे मैंने सिर्फ बोल दिया 70, 70 इज ऑल्सो मोनोमियल बिकॉज वो खुद में एक सिंगल टर्म है, उसके साथ में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। कुछ भी कनेक्ट का मतलब है बीच में प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है और टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म है, तो वो हमारे हो जाते हैं मोनोमियल। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक मैंने लिखा 7x², एक लिखा 4x प्लस में y। अब इसमें ये बता मोनोमियल कौन सी टर्म है? सेवन वेरी गुड, 7x² है क्योंकि ये सिंगल टर्म है, बाकी जो ये 4x + y है इसके अंदर हमारी दो टर्म्स आ जाती हैं। सो दिस इज नॉट मोनोमियल एंड 7x² इज मोनोमियल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल। व्हाट इज बाइनोमियल? बाइनोमियल को कैसे डिफाइन करोगे? बाइनोमियल को इस तरह से डिफाइन करोगे कि एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली 2 टर्म्स, इसके पास मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगी, उस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल बोलेंगे। सही जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था 4x + y, 4x + y के अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म है, एक तो 4x हो गई और एक y हो गई, सो इट इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। दो बाय का मतलब ही क्या होता है? डबल करना। तो इट मींस जिस तरह से मोनोमियल है उसका डबल कर दिया बाइनोमियल, उसमें एक टर्म थी इसके अंदर 2 टर्म है। और एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया माइनस का 6y² प्लस x² प्लस में 9, इज इट मोनोमियल बाइनोमियल? क्या है ये? बताओ। ये क्या चीज है? मोनोमिल है, बाइनोमियल बाइनोमिल है, क्या है? बताओ देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 7y² माइनस में 9, इसमें बताओ मुझे कौन सी है, ये माइन बाइनोमिल है कि मोनोमिल है? बाइनोमियल बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म है, एक है 7y² और एक है थोड़ा माइनस की, तो वही दिस इज बाइनोमियल। दोनों के दोनों बाइनोमियल। क्लियर है? आगे यस बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर तीन टर्म्स हो। कितनी टर्म्स हो? तीन तीन टर्म्स हो, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, 3x³ प्लस -2y² प्लस 3, इसके अंदर कितनी टर्म्स आ गई अब हमारी? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? सर, टू टर्म्स कहां से? इसमें तीन टर्म है, ध्यान से देख। एक, दो और तीन। मैंने टू कल ही समझाया था कि अगर हमें टर्म्स का पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, बीच में साइन देखते हैं कितने लगे हुए। एक साइन ये लगा हुआ, एक साइन ये लगा हुआ, दो साइन लगे हुए, उसमें एक ऐड कर दो, यानी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसके अंदर तीन टर्म है तो सो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 7x² प्लस 9, ये क्या है? बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है, क्या है ये? ट्राइनोमियल मोनोमियल मोनोमियल कैसे? जस्टिफिकेशन दो। कितने टर्म्स हैं इसके अंदर? तो बाइनोमियल फिर दो टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल 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 बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से समझो, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखना है, पहले नंबर पे मोनोमियल है उसके अंदर एक, दूसरे नंबर पे बाइनोमियल है इसका मतलब उसमें दो टर्म है, तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, उसके अंदर हमारी तीन टर्म हो जाएंगी तो वो हमारा ट्राइनोमियल बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस इजी है, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। मेरे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इसके अंदर मुझे बताओ फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? ट्राइमोन क्या है? ध्यान सर से देख, मिनट सुनाक्षी ध्यान से, हवा में तीर मत मार। सर, इसमें तो चार टर्म्स है पर हाँ, तो ये कुछ भी नहीं है इन तीनों में से, तो इसके आगे क्रॉस लगा दो, कुछ भी नहीं है। दूसरा बताओ। मोनोमियल्स मोनोमियल है, वेरी गुड, तो इसके आगे मैं एम लिख सकता हूँ। थर्ड नंबर पे ट्राइनोमियल्स फोर्थ नंबर पे फिफ्थ सर ट्राइनोमियल 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 है, फिफ्थ पे ट्राइनोमियल सिक्स पे बाइनोमियल बाइनोमियल है, मतलब समझ में आ गए है ना? ठीक है, आ गए ना? एक मैं और देता हूं, ये बताइए क्या है? ट्राइनोमियल पक्का? कितनी टर्म्स है इसके सर अंदर? थ्री है सर थ्री है, बोल रहा बट एक बात बताऊं सोनाक्षी, यहां पर देखा जाए ना तो दो हमें, एक दो हमें लाइक टर्म्स भी दिख रही हैं, जैसे 3x और 9x, 3x और, क्या बोल रहा है तो नाइन इनको ना हम मेरा ऐड बात मत करते हैं मानिएगा, कैसे? 3 दिन थ्री में प्लस नाइन कितना होता है? 3 प्लस 9 12 होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 12x, ये दोनों को जोड़ दिया क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल के थे, लाइक टर्म थी, दोनों ऐड हो गई। 3 प्लस 9 लिखो और एज इट इज वेरिएबल लिख दो, और फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? 9x². अब ये क्या बन गया? बाइनोमियल बन बाइनोमियल गया। याद रखना, जो इस तरह का मैंने काम किया है, ये जो एडिशन किया ना, सिर्फ उन्हीं के साथ होती है जिनके वेरिएबल सेम हो। मान लो 90² है और अगला मैं -70² लिख देता तो वो 9 में से 7 लेस हो जाता, क्योंकि दोनों के सेम वेरिएबल, अलग वेरिएबल कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 3x + 5y, इन दोनों को ऐड करने की कभी कोशिश मत करना, नहीं होंगे, वो था डिफरेंट, क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स हैं। इसलिए मैंने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का टॉपिक पढ़ाया। हमेशा जो सॉल्व में जाती हैं वो लाइक टर्म्स जाती हैं, अनलाइक टर्म्स वैसे की वैसी रह जाती हैं। समझ में आया?
जैसे यहाँ पर देख लो, 3x और 9x थे, दोनों लाइक टर्म्स थे, दोनों को ऐड कर दिया, और अगली बार जो था वो 9x² था, दैट इज डिफरेंट, तो उसको मैंने वैसे का वैसे यस रखा, तो हमारा ये बायनोमियल बन गया। क्या बन गया, समझ बाय में आ गया? तीनों यस क्लियर है, सर मोनोमियल, बायनोमियल और ट्रायनोमियल। उससे पिछला टॉपिक हमारा क्या वेरी था, गुड लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, वो अनलाइक ठीक है। टर्म यस ओके, तो एक काम करते हैं, दो तीन पार्ट कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज, कौन सा चैप्टर है ये, 10th, सर 10.1 का ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसके आज सारे पार्ट तो नहीं होंगे, कुछ हो जाए। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने 6th क्लास में भी करवाए थे तुमको, और आई थिंक 7th क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक चैप्टर में थे, तो थोड़ा सा ध्यान से यस समझना, इजी है। जैसे पहला है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। इन्होंने कहा है कि कुछ वेरिएबल्स का यूज करो, वेरिएबल्स मतलब A to Z लेटर्स का, कॉन्स्टेंट्स का यूज करो, कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी नंबर, सिंगल नंबर विदाउट वेरिएबल का, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करो। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनका यूज करके हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट है जैसे हमारा सब्ट्रैक्ट जेड फ्रॉम वाई। इन्होंने कहा है कि वाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, जेड सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि फ्रॉम वाला हमेशा पहले आता है, तो वाई पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना, जेड और फिर हम लिखेंगे जेड। बस ये क्वेश्चन है, जेड ठीक है। ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन यस गया, जेड माइनस वाई माइनस जेड। फिर वन हाफ हेलो ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, मतलब पहले तो एक्स और वाई का सम करो, इट मीन्स जोड़ो, और उसका क्या करो, वन हाफ। वन हाफ का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई, आधा इट मीन्स उसका आधा कर दो। क्या कर दो, आधा तो कैसे करोगे, देखो, वन हाफ ऑफ द सम आधा ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, पहले तो इन नंबर्स का सम करो, एक्स और वाई का, क्या बन जाएगा, एक्स प्लस में वाई, ठीक है। फिर बोला बाय इन्होंने वन आ हाफ, इनसे चार पहले ऑफ लगेगा, और वन हाफ का मतलब है 1/2, तो ऑफ का बुलेट मतलब क्या होता है, नहीं मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस पाएंगे वाई। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई बाय में 2, टू वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स माइनस एक्स प्लस एक्स एंड वाई, मतलब पहले तो इन नंबर्स का सम करो, एक्स प्लस वाई करो, उसके बाद उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई का मतलब वही होता है, क्या, एक्स प्लस वाई को 2 से डिवाइड करो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, एक नंबर जेड है और खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद से ही क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कैन यू गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सब्जेक्ट हाँ? देखो, किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वेयर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्क्वायर कैसे, जैसे जेड को जेड से जेड मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे, इसमें बोला एक नंबर जेड है और वो खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, तो वो उसका स्क्वेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, जेड मल्टीप्लाई जेड इक्वल टू में जेड स्क्वेयर, जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उसकी स्क्वायर पावर ऊपर चढ़ जाती है। इजी है, मुश्किल नहीं है ये स्क्वेयर, ये पावर्स क्या होती हैं, ये तुम आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तीन पार्ट हो गए इसके, यस सर एक और कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट यस इसका। फोर्थ पार्ट है हमारा, सर 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू। बहुत आसान है, हमने पहले क्या करना है, प्रोडक्ट करना है किन नंबर्स का, पी और क्यू का। प्रोडक्ट करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पी और क्यू को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कहा है कि 1/4 ऑफ इसका क्या हो जाए, 1/4 हो जाए, इट मीन्स ये 1/4 से1/4 मल्टीप्लाई हो जाए, तो 1/4 मल्टीप्लाई पी क्यू, क्योंकि पी मल्टीप्लाई क्यू हो जाएंगे पी क्यू,
इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू बाय में 4, ये आंसर आ जाएगा। फोर समझ में आया? क्योंकि 1/4 का क्या मतलब है, 4 से डिवाइड। यस सर इज इट क्लियर? यस सर ठीक है, तो अपना एक आज का यहीं पे ऑफ करते हैं, कल मैं आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इतना कुछ रिवाइज कर लेना, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स और तीनों के तीनों टाइप्स, मोनोमिल्स बायनोमिल्स एंड ट्राइनोमिल्स। ठीक है, ओके, यू यस सर कैन लीव नाउ।